तो बच्चों अब वो घड़ी आ चुकी है। जब मैंने पहला वीडियो शुरू किया था ऑप्टिक्स का, तो मैंने बताया था कि हम लोग आइस से फायर बनाने की बात करेंगे बच्चों। तो आज वो दिन आ गया। आज की वीडियो में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे कि आखिर आइस से हम लोग फायर कैसे जनरेट कर सकते थे। ये हम लोग बेटा आज पढ़ने वाले हैं, तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो पहले मैं थोड़ा लेंस के बारे में बात करता हूँ कि आखिर लेंस क्या बच्चों। तो हम लोग आज मोस्टली क्या पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे बच्चों, और साथ ही में आइस से फायर बनाने का तरीका भी बता दूंगा। तो देखिए बच्चों, लेंस क्या होता है, लेंस क्या होता है बच्चों, जैसा कि मैं पढ़ाने से पहले क्या करता हूँ, कुछ भी चीज़ का डेफिनेशन लिखना चाहिए। तो डेफिनेशन देखिए बच्चों, लेंस आखिर बोलते किसको हैं। तो लेंस क्या बच्चों, देखो मैं लिख रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। ये क्या है, ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। क्या बच्चों, ट्रांसपेरेंट मटेरियल बॉन्डेड बाय टू सरफेसेस आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन सरफेस इज स्फेरिकल। मतलब सर इतनी अंग्रेजी लिख दी, आखिर आप बताना क्या चाह रहे हैं। तो बच्चों ये क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, बॉन्डेड बाय दो सरफेस, तो दो सरफेस से बॉन्डेड है और वो क्या है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होगा और दो सरफेस से बॉन्ड होगा बच्चों, ठीक। पहली बात तो ये, उसमें से क्या बच्चों कि आउट ऑफ विच यहाँ छूट गया है, आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन सरफेस स्फेरिकल, दो सरफेस होगा बच्चों, तो दोनों में से एक सरफेस ऐसा तो होना ही चाहिए जो क्या हो, जो स्फेरिकल हो। स्फेरिकल सरफेस मतलब बेटा एक स्फेयर है, जैसे मिरर केस में बताया था मैंने, स्फेरिकल मिरर, कोई एक स्फेयर, स्फेयर से एक पार्ट काट लो तो वो कैसा दिखेगा, ऐसा। ये समझो स्फेयर है और इसको काट लो तो स्फेयर का पार्ट बन जाएगा, ठीक। तो देखो बच्चों, दो सरफेस, तो ये कैसा बच्चों, स्फेरिकल सरफेस। यहाँ पे दोनों सरफेस क्या है, बोथ सरफेस क्या है, स्फेरिकल, दोनों सरफेस स्फेरिकल। और ये मटेरियल बेटा जिससे ये है, ये क्या है, ये है ट्रांसपेरेंट। इसको क्या बोल सकता हूँ, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या हो सकता है बच्चों, कुछ भी, ग्लास हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है बच्चों, ये आइस भी हो सकता है, तो ये कुछ भी हो सकता है बच्चों, ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोला गया यहाँ पर, ठीक। कोई जरूरी नहीं कि ग्लास ही होगा, लेंस तो किसी भी, कोई लिक्विड भी हो सकता है बच्चों, या कोई ग्लास, कुछ भी मटेरियल हो सकता है, आइस भी हो सकता है, तो ये कुछ भी हो सकता है। दो सरफेस वो देखिए बच्चों, ये दोनों साइड बेटा क्या, दोनों कन्वेक्स है, इधर भी कन्वेक्स, इधर भी कन्वेक्स जैसा है, ये मतलब बल आउटवर्ड है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस दोनों साइड से क्या है, कन्वेक्स इन नेचर, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। इसको भैया बोलेंगे कन्वेक्स लेंस, या इसका और एक नाम बड़ा क्या है कि दोनों कन्वेक्स, इसको बोलते हैं बाय कन्वेक्स लेंस, बट इन जनरल इसको कन्वेक्स लेंस बोल देते बच्चों। वैसे ही जब ऐसा सरफेस है बेटा, दोनों क्या है, लाइट इधर से आई, दिया कैसा कनकेव है, तो ये कनकेव, ये भी कैसा है, इसमें जो रिफ्रैक्शन पार्ट कर रही है, कनकेव इन नेचर है, और कनकेव क्या मैंने बताया था बच्चों, जो कर्व्ड इनवर्ड होता है वो कनकेव होता है, तो ये भी कनकेव, तो इसको बोलते हैं कनकेव लेंस बच्चों, ठीक। दूसरी बात तो ये, और क्या बच्चों कि लेंस के केस में क्या होता है, जो इसका अपर्चर है, ये क्या है, इसका अपर्चर बोलते हैं बच्चों। इसी मिरर में हमने अपर्चर बात करी थी, तो यहाँ भी ये अपर्चर है, अपर्चर क्या बहुत कम है बेटा, तो अपर्चर इज मच स्मॉल, अपर्चर इज मच स्मॉल किससे भाई, कंपेयर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये स्पेयर, ये बेटा ये जो है, ये जो पार्ट है ये किसी स्पेयर का ही कटिंग किया होगा, तो ये जिस स्पेयर का पार्ट है, ये तो कब सरफेस, ये बड़े स्पेयर का कहीं से होगा, ये वाला जो देख रहे हैं आप, एक्चुअली इसको आप ऐसे देखो, ये इस टाइप का बेटा, तो ये किसी बड़े स्पेयर का सरफेस है, तो उस स्पेयर का जो रेडियस है उसके कंपेरिजन में ये जो लेंथ है भैया, इसकी जो डायमीटर है, ये क्या है, ये बहुत कम है बच्चों, तो ये बात आपको याद रखनी। और ये क्या है, ये कनकेव लेंस है बच्चों। अब देखो
लेंस ऐसा भी हो सकता है कि एक सरफेस ऐसा हो, एक सरफेस ऐसा हो। मैंने क्या लिखा, आउट ऑफ विच एटलीस्ट एक होना चाहिए, कोई जोर नहीं कि दोनों। तो एक स्पेरिकल हो गया, एक प्लेन हो गया, तो भी ये भी क्या है, ये भी लेंस है बच्चों। फिर इसको क्या बोला जाएगा, इसको प्लेनो कन्वेक्स लेंस बोलते हैं बच्चों। ऐसा ही ये हो सकता है कि लेंस ऐसा हो, एक ये भी एक लेंस है बच्चों, ये प्लेनो कॉनकेव कहलाएगा। तो अलग अलग प्रकार के लेंस हो सकते हैं बच्चों, लेकिन जो आपके सिलेबस में बच्चों जो समझना है वो क्या है, कन्वेक्स लेंस और कन्केव लेंस, ये दोनों, जो बाय कन्वेक्स या बाय कन्केव भी बोलते हैं इसको। तो ये दोनों लेंस के बारे में हम लोग डिटेल से बेटा पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने कन्वेक्स लेंस बनाया और इस लेंस से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझते। देखिए ये क्या है, ये एक स्पेयर है, बड़े स्पेयर का कुछ तो होगा भैया, ये सरफेस है बेटा, स्पेयर का ही पार्ट है, तो उसका कहीं पे एक सेंटर होगा, ठीक। तो इसको मैं कहीं इधर यहाँ एक सेंटर दिखा देता हूँ, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको C2 बोल दे रहे बच्चों, ठीक, इसको C2 में बोल देता हूँ। और ये जो ये पार्ट है भैया, इसका भी क्या होगा, ये पार्ट जो है इसका भी एक सेंटर होगा, क्योंकि स्पेयर का है तो ये हो। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं बच्चों, इसका भी एक सेंटर है, तो सेंटर कर्वेचर है, और ये भी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बच्चों। तो इस पर लेंस केस में क्या, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा है, और ये दोनों लाइन को यदि ज्वाइन कर दे बच्चों, तो आप देख रहे हैं कि ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक। और इसको क्या बोलेंगे, ये इसी कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। तो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस केस में बच्चों, ठीक। और जो इस लेंस के मिड पॉइंट से पास होता है, इसको बोलते हैं बच्चों ओ से देख रहा हूँ, ओ क्या है मेरा, ओ को बेटा एक नाम दिया गया, क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस है। तो ये कुछ टर्म है बेटा जो आपको याद रखने, ताकि यदि क्वेश्चन में लिखा रहे कुछ तो आपको समझ में आ जाए कि क्या बोला जा रहा है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा बच्चों, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। और इसको मैंने बता दिया कि अपर्चर है बच्चों, जो इसकी डायमीटर है, लेंस की डायमीटर को अपर्चर बोल सकते हैं, लेंस की डायमीटर बोल रहा हूँ, तो लेंस ये बेटा ये इस लेंथ को अपर्चर बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्या है बच्चों, कि अगर यदि किसी लेंस में यदि पैरेलल लाइट आए, अपर्चर स्मॉल वजह हम लोग क्या मान रहे हैं बच्चों, हमारे केस में क्या है, अपर्चर इज स्मॉल, तो स्मॉल अपर्चर लेंस ही हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। तो इस केस में क्या बच्चों, अगर हम एक पैरेलल रे ऑफ लाइट डालेंगे, कोई मान लो बहुत दूर में ऑब्जेक्ट जैसे सन है, सन से लाइट आ रही है, और आपने देखा भी होगा बच्चों बचपन में आपके जो कंपास होता था, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, उसके अंदर एक आपको एक इंस्ट्रूमेंट मिलता था जो लेंस की तरह लेंस ही था बच्चों, वो क्या, कन्वेक्स लेंस। जब आप उससे बेटा कागज के भी जलाए होंगे आपने, कि सन को फोकस करके पेपर आपने जलाया होगा बचपन में, या आपके इंस्ट्रूमेंट में आप जला भी सकते, तो ये आपने बेटा देखा होगा, ठीक ना। तो वो भी एक लेंस ही, तो वैसा ही बेटा यही उस तरह का ही लेंस है। तो इसकी एक बेटा जब पैरेलल रे आ रही है सन से, तो किसी एक पॉइंट पे मिल रहा है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको फोकस बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, जहाँ पे पैरेलल रे आके मिलेंगी, आ रही तो यहाँ पे मिलेगा एक पॉइंट पे, तो उसको क्या बोलेंगे, फोकस। और इसको F2 नाम दे देते बच्चों, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि इधर से लाइट आ रही है राइट से, तो इधर पे आके मिल रहा है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली लाइट आके मिलेगा, मिलेगा ना बच्चों। और यहाँ पे क्या, और देखिए पहले रिफ्रैक्शन यहाँ पे होता है लेंस केस में, क्या है कि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है बच्चों, एक तो ये वाला है कि यहाँ से एक बार रिफ्रैक्शन होगा और एक बार यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, तो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से होने के बाद फोकस पे आके मिल रहे हैं। अगर यदि मैं केस उल्टा दूँ बच्चों, यदि लाइट हम इधर से डालेंगे, या मान लो ये है इधर से लाइट हम डाल रहे हैं इसी केस में, तो फोकस इधर बनेगा, तो इसको F1 बोलते हैं बच्चों। और यदि लाइट इधर से आप डालेंगे फोकस इधर बनेगा, और इधर से लाइट डालेंगे तो इधर फोकस बनेगा। और इस मिरर में क्या बच्चा, R1 R2 दोनों बराबर है, मतलब इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि ये किसी स्पेयर का पार्ट है, उसका जो रेडियस होगा उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं बच्चों, तो ये दोनों एक ही सेम रेडियस कर्वेचर के हैं। तो ऐसा हुआ कि दोनों का फोकस का जो लेंथ है बच्चों, ये जो लेंथ है L, तो ये भी लेंथ L ही होता है बच्चों, ये भी लेंथ क्या होगा, L ही होगा। और अगर यदि हम ये ले बच्चों, क्या बोलते हैं कि मतलब जो पैरेलल ले आ रही हैं अपर्चर बहुत छोटा है, तो उस केस में क्या होगा कि जो ये लेंथ जो है इसको फोकस बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, फोकस। अभी L से मैं लिखा हूँ, तो L ही मेरा क्या है, फोकल लेंथ है,
ये हमारा फोकल लेंथ है। तो फोकल लेंथ किसके बराबर होगा बच्चों, ये जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसी का ये फोकल लेंथ कहलाएगा बच्चों। फोकल लेंथ ये कितना है, ये इसको 2f भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, ये जो पूरा लेंथ है ये r बाय 2 के बराबर आ जाएगा। लेकिन हर केस में नहीं आता बच्चों, ये स्पेशल केस में आएगा डिपेंडिंग ऑन ये किस मटेरियल का बना हुआ है और मतलब क्या क्या दिए हुए, इस आधार पर डिपेंड होता है। तो हम लोग इसको सिंपली फोकस बोलते हैं बच्चों। आपको फोकस समझ में आ गया, फोकस क्या बोलते हैं, बाकी आप बाद में हायर क्लास में पढ़ेंगे कि आखिर लेंस मतलब लेंस का फोकस भी डिपेंड करता है बच्चों। वो एक्चुअली हम लोग को निकालना पड़ता है कि फोकस क्या आएगा, उसके लिए एक अलग से फॉर्मूला आता है जिसको लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं। तो वो चीज़ आपके सिलेबस में नहीं था, आपको बस समझना है कि पैरेलल रेज आके फोकस पे मिल रहे हैं और इसको फोकल लेंथ बोला जाता है, और फोकल लेंथ आपका सवाल में दिया जाएगा या नहीं तो और भी कुछ दिया जाएगा बच्चों। तो आपको इसकी चिंता नहीं रखनी। और बेटा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को एक और नाम F2 भी लिख देते हैं, और ये इसके डबल होता है, मतलब ये जितना उसका डबल हो तो ये एफ टू कहलाएगा। उसी तरह से इसको एफ वन भी बोल सकते हैं। ये फोकस है, नहीं एफ टू इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं भैया 2F2, क्योंकि ये इसका डबल लेंथ का बच्चों। तो इसको हम लोग एफ टू बोलते हैं, इसको 2F2 इंडिकेट करते हैं बच्चों, और इसको एफ वन और इसको 2F1 बोल देते हैं हम लोग। ये लिखने का एक तरीका है कि ये एफ वन और ये 2F2, और ये F1 है ये 2F1, ऐसे भी लिखा जाता है बच्चों। ये नोमेनक्लेचर, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। आखिर साइन कन्वेंशन भी पढ़ लेते हैं हम लोग, वो सवाल में यूज करने वाले बच्चों। लेंस का फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। तो साइन कन्वेंशन मैं थोड़ा बताता हूँ बच्चों। देखिए बच्चों एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कनकेव मिरर केस में क्या होगा वो भी बता देता हूँ, उसके बाद अपन साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। तो कनकेव मिरर केस में ये बन गया कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में क्या होता है बच्चों, देखो जब लाइट आएंगे तो क्या होगा, लाइट कनकेव मिरर केस में लाइट जो पहले लाइट आ रही है वो क्या होता, वो डाइवर्ज होता है बच्चों। डाइवर्ज मतलब कि वो यहाँ से ऐसे कुछ आएगा, ये दोनों से रिफ्रैक्शन होने के बाद ये डाइवर्ज हो जाते हैं। कन्वेक्स मिरर में तो एक जगह मिलते थे, लेकिन कनकेव मिरर केस में ये डाइवर्ज हो रहा है, मतलब ये फैल जा रहा है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, यहाँ पे फोकस तो कहीं आ नहीं रहा, तो फोकस क्या होगा, ऐसा इसको प्रोड्यूस कर देंगे बैक साइड। तो जिस पॉइंट से ये लगेगा कि ये डाइवर्ज हो रहा है, पैरेलल लाइट जिस पॉइंट से लगेगा डाइवर्ज हो रहा है, उस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं बच्चों। इस केस में क्या होता है, लाइन एक्चुअली मीट नहीं कर रहा, लेकिन जिस पॉइंट से लग रहा है कि रेज आ रही है उसको फोकस बोलते हैं। वैसे अगर इधर से आप लाइट डालेंगे तो डाइवर्ज होगा, तो इधर में आपका एफ टू आ जाएगा, और तो आप जान रहे 2F2 यहाँ तो होगा ही, जो सेंट्रल कर्वेचर है इधर में भी 2F1 आ जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों कि कनकेव मिरर केस में फोकस क्या होता है, ये बात समझ में आ गई। तो देखिए बच्चों हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन। मिरर का ऑलरेडी साइन कन्वेंशन में बता चुका हूँ बच्चों, तो आपको ऑलरेडी पता है, थोड़ा बहुत आइडिया लगी है। साइन कन्वेंशन में क्या लेने वाले हम लोग, ओरिजिन किसको लेंगे, ओरिजिन तो ये होगा बच्चों जो ऑप्टिकल सेंटर को क्या ले लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर को यहाँ पे हम लोग ओरिजिन ले लेते हैं बच्चों। पहली बात तो ये ऑप्टिकल सेंटर से सारा डिस्टेंस मेजर होता है। मिरर केस में क्या था, पोल, पोल से हम लोग सारा डिस्टेंस मेजर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ओरिजिन से सारा डिस्टेंस मेजर होता है बच्चों, पहली बात। दूसरी बात देखिए बच्चों कि हम लोग का एक्सिस ये बेटा, ठीक, तो जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट लाइट इधर से आ रहा है इसको हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं, तो जिधर से इंसिडेंट रे आ रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे। तो कहाँ बेटा, ये मेरा ओरिजिन है और इंसिडेंट रे इधर से आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट को इधर मान लिया हमने रखा है, ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो लाइट यहाँ से इंसिडेंट होगा, तो ओरिजिन के आगे ये क्या होगा, ये पॉजिटिव, और ओरिजिन के पीछे क्योंकि हम लोग इंसिडेंट रे के अपोजिट आ रहे हैं तो ये नेगेटिव होता है बच्चों, ठीक। ये ओरिजिन, ओरिजिन का आगे पॉजिटिव, जिधर से इंसिडेंट आ रहा है और इधर नेगेटिव ले लेंगे, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। प्लस में हम लोग जो ऊपर है उसको हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं और ये डायरेक्शन को नेगेटिव, ऐसे लेने का आप इसको भी पॉजिटिव ले सकते हैं, नीचे भी पॉजिटिव लिया जा सकता है बच्चों, लेकिन हम लोग उतनी छेड़खाड़ नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे, लेने का तो आप ले सकते हैं
लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जो आसान है कि हम लोग ऊपर पॉजिटिव ले लेते हैं, क्योंकि ऊपर हमने पॉजिटिव लेना सीखा है कोऑर्डिनेट एक्सिस में, तो वही हम लोग करेंगे, ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव लेंगे बच्चों। जो ऊपर हाइट होगा उसको पॉजिटिव और नीचे निगेटिव। इतनी बात आपको समझ में आएगा बच्चों। अगर यदि मैं कहूँ कि लाइट इधर से आ रहा है, ऑब्जेक्ट इधर रख दिया गया, इधर से लाइट आएगा, तो इंसिडेंट रे अब इधर से आ रहा है, तो इस केस में क्या होगा बच्चों? देखो मैं कह रहा हूँ यदि लाइट इधर से आ रही है तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ये डायरेक्शन इधर जितना मेजर होगा वो पॉजिटिव होगा, तो ओरिजिन से इधर पॉजिटिव हो जाएगा इस केस में, और इधर नेगेटिव। इस केस में उल्टा हो जाएगा बच्चों, यदि ऑब्जेक्ट इधर रखा गया तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव और इधर नेगेटिव लिया जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन किधर से लेना है? इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में बेटा पॉजिटिव और निगेटिव लिया जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आएगा और साइन कन्वेंशन समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, और नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, जब हम सवाल करेंगे तब आपको समझ में बिल्कुल से आ जाएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, मैं अब इमेज फॉर्मेशन की रूल बता रहा हूँ कि आखिर इमेज जो बनेगा लेंस है तो लेंस के इधर उधर इमेज भी बनेगा बच्चों। बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा बच्चों। उससे पहले बता दो बच्चों कि आखिरकार आइस से फायर कैसे बनेगा, ये सवाल आपके मन में आ ही रहा होगा, तो ये सवाल बता ही देता बच्चों पहले, उसके बाद हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, मैंने बताया था क्या, एक लेंस ले लो, और लेंस क्या है? ये कोई भी मटेरियल हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है भैया, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होना चाहिए। तो हमने इस शेप में आइस को ला सकते हैं कि नहीं? ऐसा ढांचा लें, उसमें पानी डाल दें, उसको जमा दें, उसको फिर निकाले बेटा। तो लेंस ये क्या, आइस का लेंस मान लें। आइस का लेंस लेंगे और सन को यदि फोकस करेंगे तो क्या होगा? सन को फोकस, जैसे आप वो यूज करते बेटा लेंस, तो यहाँ पे हम आइस का लेंस रखेंगे होल्ड करके, और उससे जो सन का रेज आएंगे वो यहाँ पे फोकस हो जाएगा, और यहाँ पे कोई कागज़ रहेगा तो वो क्या होगा? बर्न होगा। तो ये मैं कह सकता हूँ ना बच्चों कि आइस से मैंने फायर क्रिएट किया है। क्या किया है? आइस से फायर। तो आपको समझ में आएगा बच्चों कि आइस से फायर कैसे क्रिएट हो सकता है। अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, जो इम्पोर्टेंट है कि आखिर जो इमेज बनेगा, तो लेंस से इमेज बनाने के हमारे पास कुछ बेटा कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को समझते हैं ताकि हम जब रे डायग्राम बनाएं तो हमें समझ में आ जाए कि कहाँ इमेज बनेगा, तो उसकी थोड़ी आइडिया लग जाए। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली यहाँ पे तीन रूल है बच्चों जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो पहला रूल क्या बोलता है बच्चों, देखो पहला रूल ये है कि रे जो पैरेलल रेज आ रहे हैं, क्या भाई पैरेलल रेज कमिंग आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस पासेस थ्रू फोकस, तो फोकस से पास होगी, और ऐसा लिख सकते हो कि सीम्स टू कम फ्रॉम फोकस। ये तो कन्वेक्स मिरर में बेटा फोकस पे जाके मिल जाते हो, यहाँ पे लेगा कि फोकस से सीम्स टू कम फ्रॉम फोकस से लेगा कि आ रही है। ठीक, पहला रही हो गया बच्चों। दूसरा क्या है बच्चों कि जो रे बेटा, देखो ये लेंस है, मैंने क्या बताया पहले ले जाएंगे तो फोकस पे मिल जाएंगे, और यदि कन्वेक्स मिरर है तो ये डाइवर्ट होगा, ऐसे लगेगा फोकस से आ रहा है, पहली बात तो ये। दूसरी बात बच्चों देखो कि जो रेज आपको कहाँ से पास हो रहे, जो रे फोकस से पास होंगे, जैसे ये रे बट तो इधर भी ये फोकस है, तो जो रे इस फोकस से पास होंगे दूसरे फोकस से, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होंगे? पैरेलल। यानी तो जो रे फोकस पे आ रहे होंगे, इस केस में जो रे फोकस पे क्या होगा, तो यहाँ फोकस है, तो जो रे फोकस पे आ रहा होगा ऐसा लगेगा आएगा, तो वो फिर ऐसा हो जाएगा बच्चों, वो मिलेगा नहीं, वो पैरेलल हो जाएंगे। तो आपको ये बात समझ में आ रहा है, जो रे फोकस से जा रहा है वो पैरेलल हो जा रहा है, और जो रे फोकस पे आ रहा है वो इधर की ओर चला जा रहा है बच्चों। तो वही रूट लॉ में लिख रहा हूँ,
क्या लिख रहा हूँ, रेज तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या है कि रेज पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये किस केस में बेटा, कन्वेक्स मिरर केस में। कन्वेक्स मिरर में फोकस से आ रहा है तो पैरेलल, लेकिन कनकेव मिरर केस में क्या बेटा, जो रेज फोकस पे कन्वर्ज हो रहा है, या लिख सकते हो या इन केस ऑफ कनकेव मिरर रेज विच सीम टू मीट एट फोकस बिकम्स पैरेलल। क्योंकि ये क्या है, ये डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं इसको, ये भी याद होगा। कनकेव मिरर को डाइवर्जिंग कन्वेक्स मिरर मिरर बोल रहा हूँ बच्चों। ये कनकेव लेंस, कनकेव लेंस क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। इसको दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस भी लिख लो। डाइवर्जिंग मतलब जो रेज फोकस पे आके ये क्या हो रहा है, ऐसे कन्वर्ज हो रही हैं तो उनको डाइवर्ज कर देता है बेटा। ये तो कन्वर्ज होने वाले थे लेकिन ये डाइवर्ज कर देता है। और ये क्या है, ये कन्वर्जिंग, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। और जो रेज बेटा क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रही है यहाँ से, ये फिर कन्वर्ज करने चाह रहे, बट ये पूरा कन्वर्ज नहीं होता, ये पैरेलल हो जाता है फोकस से आने पर। तो ये बात समझ में आएगी बच्चों। और एक आखिरी क्या है बेटा, देखो आखिरी क्या है कि रेज पासिंग रेज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर रिमेन्स अनडेविएटेड। मतलब जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हुआ रे बच्चों, वो तो उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, वो डेविएट ही नहीं होगा बच्चों, वो जिधर जा रहा उधर ही जाता रहेगा। मतलब कि सर ये यदि मिरर है तो यहाँ से कोई रे आ रही थी, ऐसे जाएगा, ऐसे जा रहे, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे आ रहे हैं वो डेविएट नहीं होता बच्चों। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं बच्चों। ये तीन लॉ हम लोग यूज करेंगे डायग्राम बनाने के लिए बच्चों, बहुत सारे केसेस में, और फिर समझेंगे कि आखिर कैसे कैसे डायग्राम बेटा बनेगा। ठीक, तो हम लोग वो डायग्राम सीखेंगे आगे कैसे बनाना है, और कुछ तरीके भी देखेंगे जिससे हम आसानी से याद रख सके कि कहाँ पर इमेज बन रहे हो। तो बच्चों अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है, वो क्या है, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला समझना बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, और हम लोग लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चों उसके सवाल भी करेंगे और डायग्राम भी बनाएंगे, ताकि दोनों एक साथ करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा बच्चों। देखो यहाँ पर तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/f। और यहाँ पे यू वी क्या बेटा, आपको ऑलरेडी पता है, मिरर से ही ऑलरेडी आइडिया लग गया, मिरर फॉर्मूला में हम लोग बात कर चुके थे। तो यहाँ पे वही सेंस है बच्चों, यू मतलब ये क्या है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या फिर इसको मैं सिंपली बोलता हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। इसको आप मान लो कोऑर्डिनेट है भैया, इमेज कहाँ पे रखा हो उसका कोऑर्डिनेट है, क्योंकि विथ साइन डालना होगा। और ये क्या है भैया, ये है इमेज, इसको इमेज कोऑर्डिनेट ही लिख लो, क्योंकि हमें विथ साइन ये निकालना होगा। हो सकता है ये दिया हो, कुछ भी बेटा दिया जा सकता है इस फॉर्मूला। और ये है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, या इसका बोल सकते हैं बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, इसको बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट, ये फोकस का कोऑर्डिनेट हो सकता है।
वो समझना होगा। और कन्वेक्स लेंस में बच्चों जैसे देखो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस में क्या है कि रे इधर से आ रहे हैं तो फोकस इधर बन रहा है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से आगे है तो इस केस में क्या है एफ पॉजिटिव आता है बच्चों, इस केस में फोकस पॉजिटिव होगा। लेकिन कनकेव मिरर केस में क्या है, कनकेव मिरर बोल रहा हूँ बच्चों, कनकेव लेंस केस में क्या है, कनकेव लेंस में जो रे पहला आ रहा है वो डाइवर्ज हो रहे हैं तो यहाँ से मिलता हुआ लगेगा, तो इस केस में एफ क्या बेटा ऑप्टिकल सेंटर से पीछे है बच्चों, तो पीछे है तो एफ यहाँ पर निगेटिव लेंगे हम लोग। बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या डेटा दिया है वो उसमें क्या वैल्यू पुट करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है कि मैग्नीफिकेशन डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, लेंस के से मैग्नीफिकेशन डिफाइन होता है वी अपॉन यू, ठीक। तो आपको बेटा ये याद रखना वी अपॉन यू, और ये इक्वल टू और भी लिख सकते हो उसको क्या एच डैस अपॉन एच, मैग्नीफिकेशन यही है ना इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट, बट इमेज हाइट ऑब्जेक्ट ये दोनों साइन से रखना है, तो इमेज हाइट जो साइन विथ साइन है और वी बाई यू विथ साइन है, मैग्नीफिकेशन मतलब वही है। यदि एम निगेटिव आएगा तो रियल इमेज बनेगा बच्चों, मैंने ऑलरेडी बता चुका है, यदि मैग्नीफिकेशन निगेटिव आया और एम पॉजिटिव आया तो वर्चुअल बनेगा, और रियल इमेज देखने के लिए स्क्रीन लगता है, ये सब ऑलरेडी बात कर चुका हूँ बच्चों मिरर केस में, सेम चीज़ यहाँ भी लगेगा। और यदि एम ग्रेटर देन वन हो गया तो इनलार्ज होगा, और एम मॉडम लेस देन वन तो डिमनीज बोलेंगे, ये सब बातें बता ऑलरेडी हमने पहले भी की थी, वही सब बातें यहाँ पर सब लागू हैं जो मैग्नीफिकेशन को देख के हम क्या बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें बच्चों, और एक चीज़ क्या होता है बच्चों कि हम लोग पावर ऑफ लेंस भी डिफाइन करते हैं, क्या करते हैं पावर ऑफ लेंस, किसी लेंस की पावर हम लोग कैसे लिखते हैं, पावर को वन अपॉन एफ लिख देते हैं, पावर वन अपॉन एफ। मान लीजिए फोकल लेंथ मेरा 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है कन्वेक्स लेंस की का, तो पावर उसका लिखेंगे वन अपॉन 20, और ये कितना आ जाएगा, और बेटा इसको एफ को यहाँ पे यदि मीटर में लेंगे तो इसका यूनिट हम लोग लिखते हैं डायप्टर, क्या लिखते हैं डायप्टर, या इसको डी में लिखते हैं कैपिटल डी। लेकिन याद रखना डायप्टर का वो लिखेंगे जब बेटा फोकस को एसआई यूनिट में लेंगे, मतलब फोकस फोकल लेंथ को हम लोग मीटर में लेंगे, तो इस केस में हम लोग 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सी एम को मीटर में करोगे 10^-2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ऊपर हो गया 100/20, इसका मतलब ये हो गया 5D बच्चों, ठीक। तो उसका फोकस इसका पावर कितना हो गया 5 डायप्टर बोलेंगे, तो है आपको समझ में आएगा पावर कैसे निकलेगा बच्चों, तो लेंस ऑफ पावर क्या है ये आपको समझना है, मैग्नीफिकेशन बता दिया बच्चों। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि लेंस केस में माइनस आता है बच्चों, मिरर केस में प्लस आया था, और वहाँ मैग्नीफिकेशन केस में माइनस वी अपॉन यू आया था, यहाँ पर मैग्नीफिकेशन जब लिख रहे थे तब क्या आया था माइनस वी अपॉन यू, आपको याद होगा मिरर केस में, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं होता है बच्चों, यहाँ वी अपॉन यू होता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, तो याद ही रखना होगा कहाँ पर कौन सा साइन था। तो यहाँ पर बेटा कुछ नहीं रहता, यहाँ पर वी अपॉन यू रहता डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर जो इमेज बनेगा, क्योंकि U इधर आ जाता भाई, V इधर आता है, U इधर आता है, तो हम लोग जब इमेज बनाएंगे तो आपको और क्लियर होगा कि आखिर यहाँ पर निगेटिव क्यों नहीं आता बच्चों, ठीक। हाइट ऑफ इमेज व हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जब लिखेंगे तो आपको ये क्लियर होगा जब कुछ सवाल करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यही सब डिस्कस करेंगे बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो, लेंस का थोड़ा ये ज़्यादा थ्योरेटिकल ही था मोस्टली जो हमने डिस्कस किया। अगले सवाल में हम लोग कुछ सवाल करेंगे और अलग अलग केस में इमेज कहाँ कहाँ बनेगा वो भी देखेंगे बच्चों की, यदि ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, ये सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।